हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू ममता बेदी क्लासेस टुडे वी विल रीड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट टू रीड द स्टोरी आफ्टर लिसनिंग द प्रिंस स्वेलो सेड आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर अब हैप्पी प्रिंस की बात सुनकर स्वेलो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ एक रात के लिए और रह लूँगा बट आई कान प्लक आउट योर आईज यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन और वो कहता है कि मैं तुम्हारी आँख में लगा हुआ जो सेफायर है उसको नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस डू एज आई कमांड यू तो इतना सुनकर प्रिंस कहता है कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल

फिर मैच गर्ल के पास से गुजरता है तेजी से और वो ज्वेल जो है वो स्लिप्ट कर देता है फिसला देता है उसके हैंड में वो अ लवली बिट ऑफ क्लास क्राई द लिटल गर्ल एंड रैन होम लाफिंग अब उस सेफायर को देख कर लड़की खुशी से चिल्लाती है और कहती है कि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है और फिर वो अपने घर की तरफ भागती है हंसती हुई then the the swallow came back to the prince you are blind now he said so i will stay with you always अब ब्लाइंड नाउ आता है प्रिंस के पास और कहता है कि तुम हो चुके हो, so मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा no little swallow said the poor prince you must go away to egypt तो इतना सुनकर प्रिंस कहता है कि नहीं छोटे अबाबिल तुम्हें जरूर ही इजिप्ट को जाना चाहिए नो no, आई stay विद यू ऑलवेज सेट द स्वेलो एंड ही स्लैप्ट एट द प्रिंस फीट वो कहता है स्वेलो कहता है कि नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और वो उसके प्रिंस के फीट पर फीट में जो जगह होती है वहां पर सो जाता है ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वट हीट सीन इन देंड और नेक्स्ट डे से अब जो स्वेलो है उसका ये काम बन जाता है कि वो रोज़ ही उसके शोल्डर पर बैठता है हैप्पी प्रिंस के और जो भी सिटी में हो रहा होता है स्ट्रेंज लैंड क्यों बोला गया है उसको क्योंकि वहाँ पर सुख भी है दुख भी है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही है ना स्ट्रेंज थिंग्स हो रही है वहाँ पे तो वो जो है वो स्ट्रेंज लैंड का उसको पूरा हाल बताता है कि उसकी सिटी में क्या क्या हो रहा है रानी वाली चीजें बताई लेकिन इन सबसे भी जो हैरानी वाली जो मारियस थिंग है वो है आदमियों औरतों की पीड़ा सफरिंग होता है किसी चीज से पीड़ित होना बीमारी से गरीबी से देर इज नो माई स्ट्री सो ग्रेट एज माई स्ट्री और प्रिंस कहता है कि दुख से बहुत दुख से बड़ा रहस्य कोई भी नहीं है ठीक है फ्लाईओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड वॉच यू सी देर अब प्रिंस कहता है कि छोटे अबाबेल मेरी सिटी के ऊपर से उड़ो और जो भी मेरी सिटी में हो रहा है मुझे वो सब कुछ बताओ सो द लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड साफुल बैगर्स वीटिंग एट द गेट्स अब जो छोटा अबाबिल है वो सिटी के ऊपर से उड़ता है और वो देखता है कि जो रिच हैं जो अमीर लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं अपने सुंदर सुंदर हाउस में और जो गरीब भिखारी हैं वो उनके गेट्स पर बैठे हुए हैं ही फ्लू इन टू डार्स एंडसार दाइट फेसिस ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रेन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स अब उन जो भयानक या फिर आप बोल सकते हो वीरान और जो बिल्कुल अंधेरी गलियाँ हैं वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो बच्चों को वाइट फेस क्यों बोला गया है क्योंकि वो क्या है वहाँ के लोग जो फ़ौरन की स्टोरी है ना गोरे लोग हैं तो वहाँ के उनके जो बच्चों के जो फेस हैं बिल्कुल आ, भूख से वाइट हो गए हैं या फिर पेल हो गए हैं और जो स्ट्रीट्स में इधर उधर देख रहे हैं अंडर द आर्चवे ऑफ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन अदर इन ईच अदर आर्म्स टू तो ट्राई एंड अदीप दम सेल्स वो उस जगह पे जाता है जहां पे ब्रिज का आर्च आर्चवे होता है इस तरह से आर्क ठीक है आर्क में बना होता तो उसके नीचे जगह होती है ना ब्रिज के नीचे तो वहां पर जो दो लड़के लेटे हुए हैं एक दूसरे के आर्म्स में आम डाले और एक दूसरे को वार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं इट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है हाउ हंग्री वी आर दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे रेन वो कहते हैं अपने आप से कि हम कितने ज्यादा भूखे हैं हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है इतने में वहां पर वॉचमैन आता है और वो शाउट करता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो नहीं लेट सकते हो और फिर वो उन गलियों में बारिश में इधर उधर मतलब घूमना शुरू कर देते हैं देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वाट फिर वो वापस आता है और प्रिंस को बताता है कि उसने क्या क्या देखा मुझे गोल्ड से यू मस्ट टेक इट ऑफ लिव बाय एंड गिव इट टू दॉर द लिविंग ऑलवेज थिंग गोल्ड कैन मेक दम हैपी अब वो कहता है कि तुम ये जो लीव है इनको वन बाय वन लेकर जाओ और गरीब लोगों में दे दो क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं जो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं है ना तो वो समझते हैं कि गोल्ड जो है या जो पैसा है उनको खुशी दे सकता है लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिकट ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे अब जब तक कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू डल और ग्रे भद्दा नजर नहीं आने लगा तब तक जो स्वेलो था उसने एक एक लीफ करके उस फाइन गोल्ड की लोगों को बांट दी लीफ आफ्टर लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रो टू द पोर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्लोराइजर एंड दे लाफ्ट एंड प्ले इन द स्ट्रीट्स वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइट अब जैसे जैसे अबाबिल उन्हें वो जो गोल्ड की लीव्स देता गया उन गरीब लोगों को तो जो बच्चे थे उनके फेसिस पर ग्लो आ गया और वो हंसने लगे खेलने लगे गलियों में और वो कहते हैं अब कि हमारे पास खाने के लिए खाना है देन द स्नो केम अब क्या हुआ अब वहां पे क्योंकि ठंड हो गई थी है ना तो अब बर्फ पड़ गई सारी तरफ एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट अब जब पहले स्नो हुआ और उसके बाद फ्रॉस्टिंग हो गई है ना पहले स्नो होता है फिर फ्रॉस्टिंग होती है देखो फ्रॉस्टिंग क्या होती है जैसे हम फ्रीजर में कोई चीज रखते तो जम जाती है, है ना तो पहले स्नो पड़ी बर्फ पड़ी उसके बाद जो पानी था जो वो बर्फ थी वो जमनी शुरू हो गई फ्रॉस्टिंग होनी शुरू हो गई द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर और गलियां ऐसे लग रही थी जैसे कि वो चांदी से बनी हुई हों एवरीबडी वेंट अबाउट वेंट अबाउट इन फर्ज एंड द लिटिल बॉय कैप्स एंड ऑन द ली अब क्या था कि हर एक जो पर्सन था या हर एक जो बच्चा था उन्होंने फर्ज फर्ज होते हैं गरम कपड़े गरम कपड़े पहने छोटे बच्चों ने स्कारलेट्स होते स्कॉस जिसको बोल सकते हो आप है ना उन्होंने स्कार्फ्स और कैप्स डाल ली स्केटेड और वो स्केच करने लगे स्लिप्स करने लगे जैसे स्केटिंग करते हैं ना तो वह बर्फ पर स्केटिंग करने लगे द पोअर लिटल्स वेलो ग्रट ही कुट ही प्रिंस ही लव टू वेल अब जो पुअर स्वेलो था वो उसे और ज्यादा ठंड हो लगने लगी क्योंकि मौसम जो था वो ठंडा हो चुका था बट ही वुडेंट लीव द प्रिंस लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था ही पिक्ट अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब वो क्या करता है जो नान भाई होता है बेकर होता है उसकी दुकान के बाहर से कुछ ब्रेड के क्रम्स टुकड़े ले आता और उनको खाकर गुजारा करता ठीक है जब बेकर वहाँ पर नहीं होता और वो अपने आप को अपने विंग्स को फ्लैप फ्लैप होता है उसको फड़फड़ाना तो अपने विंग्स को फ्लैप कर कर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता तो इस तरह से वो ठंडे मौसम में एडजस्ट कर रहा था अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो मोटिवेट कर रहा था बट एट लास्ट ही न्यू डेट ही वॉज गोइंग टू डाई अब अबाबिल को यह पता चल चुका था कि वो मरने वाला है ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ ऑफ फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर और उसने फिर अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी उसको इकट्ठा किया और वो उसके शोल्डर तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा क्योंकि वो उसे गुड बाय कहना चाहता था ही मर्मर्ड मर्मर होता है बुढ़ रहा मुंह में धीरे धीरे बात करना तो वो म, वो बोलता है विल यू लेट मी किस योर हैंड्स क्या तुम तो मुझे अपने हैंड में किस करने दोगे आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस अब आ, प्रिंस सोचता है कि वो इजिप्ट जा रहा है है ना स्वेलो तो कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि अंत में तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम इजिप्ट जा रहे हो यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू अब जो हैप्पी प्रिंस कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड किया मेरी हेल्प की तो तुम तो मुझे लिप्स पे किस कर सकते हो इट इज नॉट टू इजिप्ट आई एम गोइंग द स्वेलो आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट अब इतने पर स्वेलो कहता है कि नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ मैं तो मरने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ अब हाउस ऑफ डेथ किसे बोला गया है डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप क्योंकि जो मृत्यु है वो स्लीप का ब्रदर बोल सकते हो है ना तो पूछता है, हाँ, है या नहीं एंड इज दिंस एंड फेल डाउन डेड एट ही वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है और फिर उसके पाउ उसके जो फीड्स है वहां पर गिर जाता है एट द मोमेंट अस क्रैक्स साउंडेड इन साइड दू एज इट सम मर जाता है तो उस मोमेंट पे एक कुछ चीज क्रैक होने की साउंड आती है स्टैचू के अंदर में से ऐसे लगता है जैसे कि कुछ टूट गया हो द फैक्ट इज दैट द लेडिड हार्ड है ड्रेडफुली हार्ड फ्रोज्ड अब देखो क्या होता है कि जैसे ही वो अबाबिल मरता है तो उसके दुख के कारण जो उसके अंदर लेड का हार्ट होता है स्टैचू के अंदर वो टू पीसेस में डिवाइड हो जाता है वो टूट जाता है इट सर्टेनली वाज ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट और क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या था हार्ड फ्रोस्ट ड्रेडफुली क्योंकि इससे उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई थी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स अगले दिन क्या होता है अगली सुबह को क्या होता है हाँ जी नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो मेयर है वहाँ का तो वो उस चौराहे में आता है अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ एज दे पास द कॉलम ही अप एट द स्टैचू जब वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो स्टैचू की तरफ देखता है वो कहता है डियर मी हाउ शेबी बी हैप्पी प्रिंस लोक सी सैड वो कहता है कि ये तो बहुत गंदा लग रहा है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना भद्दा लग रहा है हाउ शेबी बी इंडेट क्राइड द टाउन काउंसिलर्स और उसके पीछे पीछे उसके जो टाउन काउंसिलर्स होते हैं वो भी रिपीट करते हैं हाँ बहुत गंदा लग रहा है

लिटल बैटर देन अबर अब वहाँ का मेयर कहता है कि इसकी जो रूबी है में लगी हुई थी वो भी नहीं है इसकी आइज में जो सिफ़ायर है वो भी नहीं है और इस पर जो गोल्ड लगा हुआ था वो भी जा चुका है और अब ये किसी भिखारी से बेटर नहीं लग रहा है मतलब एक भिखारी से comparison किया उस statue का Little बेटर देन अ बैगर सेट द टाउन काउंसलर तो उसके पीछे पीछे टाउन काउंसलर्स भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है एंड देर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट इज फीट कंटिन्यू द मेयर और मेयर अपना बोलना जारी रखता है कहता है कि इसके पैरों में एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ है वी मस्ट रियली इश्यूज अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर प्रोक्लेमेशन होती है एक रिटर्न अनाउंसमेंट बोल सकते हो या फिर नोटिफिकेशन बोल सकते हो तो वो कहता है कि हमें ये नोटिफिकेशन जारी करनी होगी कि किसी भी किसी भी बर्ड को यहाँ पर मरने की इजाज़त नहीं है एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सुजेशन और टाउन का जो क्लर्क है उस पर नोट तैयार करता है सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस तो इस तरह से वो स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का है उसको पुल डाउन कर देते हैं एज इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल इज़ नो लॉन्गर यूजफुल क्योंकि ना ही वो सुंदर था और ना ही उसका कोई यूज था सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर करता है जो आर्ट प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी का देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन अ फर्नेस फर्नेस फर्निस भट्टी है ना तो फिर वो आ, उस फर्नेस में उस स्टेचू को मेल्ट करते हैं वोटर स्ट्रेंज थिंग्स एट द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री तो उस फाउंड्री में काम करने वाला वर्कमैन कहता है कि कितनी हैरानी वाली बात है दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस कि ये जो टूटा हुआ दिल है ये भट्टी में नहीं मेल्ट हो रहा वी मस्ट थ्रो इट अवे हमें इसे बाहर फेंकना चाहिए सो थ्रो इट ऑन दीप वे वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइन तो इस तरह से वो उस हार्ट को ब्रोकन हार्ट को वहां पर फेंक देते हैं उस कूड़े के ढेर पर जहाँ पर वो डेड स्वेलो पड़ा होता है ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सेट सेट गो टू वन ऑफ हिज एंजल अब भगवान अपने एक फरिश्ते को कहते हैं कि जाओ उस सिटी में और वहां से टू प्रिशिंग लेकर आओ एंड द एंजल ब्रॉटिम दार्ट एंड द डेड बर्ड और जब वो एंजल यहाँ उस सिटी में आता है तो वो एक तो लेडन हार्ट जो होता है प्रिंस का और दूसरा जो डेड बर्ड है स्वेलो उसको ले जाता है Uh, तो गोड उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो च्वाइस है वो बिल्कुल ठीक है फॉर इन माई गार्डन ऑफ पेराडाइज दिस लिटल बर्ड शेल सिंग मेरे जो गार्डन है मेरा जो स्वर्ग है इसमें ये पक्षी हमेशा चह चहाएगा सिंग सिंग करेगा फॉर एवर मोर इन माइसिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंसल प्रेज मी और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे स्वर्ण के महल में या फिर मेरा जो ये स्वर्ण जो बाघ है गार्डन है वहां पर यह ये मेरी प्रशंसा करेगा ये मेरी प्रेस करेगा तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि एक जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या था वो एक काइंड हार्टेड था जेनरस था और जो स्वेलो था वो भी काइंड हार्टेड था उसने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए हैप्पी प्रिंस की हेल्प की और हैप्पी प्रिंस ने अपनी ब्यूटी की परवाह ना करते हुए लोगों की हेल्प की तो इस तरह से जो स्वेलो था और दूसरा जो हैप्पी प्रिंस था दोनों ही अच्छे थे और जिनको गॉड ने अपने जो गार्डन है है ना जो स्वर्ग है वहाँ पर जगह दी तो इस तरह से हमें इस चैप्टर से सिंपती और चैरिटी और जो ग्रेटनेस uh, बोल सकते हो उसका हमें मैसेज मिलता है आई होप आप सबको लेसन समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय